अस्सलाम वालेकुम सनी, कहाँ गायब हो यार? मैं आपके कहने पे 14-15 घंटे गाड़ी चला के आया हूँ लाहौर। ना ऑफिस में मिल रहे हो, ना फोन उठा रहे हो। मैं घर आ रहा हूँ। ओके, आई थिंक यही वाला घर है, मंजिल। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सर क्या छुपा रहे हैं? आप किधर फिर रहे हैं? मैं भी आपके ऑफिस से होता हुआ आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, व्हाट इज दिस? क्या चीज़? क्या? कुछ नहीं सर, कुछ चाबी। मुझे ऑफिस वालों ने बताया कि आप आज वैलेंटाइन मना रहे हैं घर पे। सर मेरी वैलेंटाइन क्या है? सुबह फजर से उठ के ये देखेंगे, आपके सामने सारी वैलेंटाइन है, सबके लिए फ्लावर्स लेके आया हूँ, एक के आगे रखूंगा, उनके साथ टाइम गुजारूंगा। ना करें यार, ये होता है आपका वैलेंटाइन? ये वैलेंटाइन और वीलेंटाइन सब इकट्ठे होते हैं, ये देखे ना सर, गिन के जितनी गाड़ियां उनके लिए उतने फूल लिए हैं। सुबह फजर के टाइम उठाऊँ, सारी गाड़ियां खुद धोई हैं, किसी को हाथ नहीं लगाने दिया, और सबको तैयार करके उनके लिए फूल लेके आया हूँ, खुद ड्रेस लाल ड्रेस पहने उनके लिए, और ये है मेरा वैलेंटाइन। अब आप बताएं इसमें दफ्तर जाना बनता? इतनी खूबसूरत हसीनाओं के साथ होते हुए मतलब बेजौक आदमी होगा जो दफ्तर जाएगा वैलेंटाइन पे? यार मैं तो शक में पड़ गया था वैसे, ऑनेस्टली मेरे पे शक ना किया करें, यकीन किया मुझे करें। आपके कैरेक्टर से ये बात फिट नहीं हो रही थी, मैंने कहा सुनील साहब कौन सा वैलेंटाइन मना रहे हैं, तो जरा बताएं कौन सी है। सर ये आपने लास्ट में रखा है, देखी थी कि नहीं? देखी थी, जब आप लास्ट में थे उन दिनों नई नई आई थी, और आपने इसकी आवाज सुनी थी, साउंड जो बड़े मजे की थी। सो दिस वन इज अ V8 ऑल्सो, दिस इज अ V8 ऑल्सो, दोनों 5000 सीसी है, जनरेशन का फर्क है इंजन के। ये 2003 मॉडल है, वो 2007 का, 6-7 और ये दिस इज बेसिकली पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस इज अ CL 500, सो फ्लैगशिप एस कूप भी कह सकते हैं, दिस इज अ फ्लैगशिप ऑफ Mercedes, मतलब ये टू डोर एस क्लास है समझ लें बेसिकली, एंड इसके चेसिस को उड़ते W215। इस पर्टिकुलर गाड़ी को मैं पता है कब से आया कर रहा था, 2008 में आई यूज टू हैव दिस शॉप कॉल्ड इल्यूजन, वहाँ पे ना एच ब्लॉक में, तो सामने शहजाद ऑडियो पे सीडी लेने आते थे। मैं इस गाड़ी की तस्वीर खींच के मैंने रखी थी कि यार ये गाड़ी कितनी प्यारी है, एंड दिस पर्टिकुलर कार विद दिस नंबर आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, लाइक 18 इयर्स के बाद ये गाड़ी फाइनली मेरे पास आई, और जब से आई है इस गाड़ी के साथ एक इश्क है कि इसके साथ बैठ के टाइम गुजारते रहते हैं। ये किसी ने मेरे इश्क के साथ ज्यादती भी की, ये देखें, ये मैं कहीं इवेंट पे गया था, किसी ने ऐसी नकी मारी है, पता नहीं लोग क्यों मारते हैं, हालांकि ग्लास कोट हुई थी गाड़ी, ऐसे दिल जले बहुत होते हैं ये। इधर देखें, इधर दिखाता हूँ मैं आपको, मैं सिविक को नहीं छोड़ते यार इसमें तो। अभी मैं इसमें मॉड ये कर रहा हूँ, इसके अंदर ये जो लाइटें थी ना, ये 2003 में क्रिस्टल नहीं थी, 5 में क्रिस्टल आ गई थी, वो आके पड़ी हुई है, उसके लिए पूरा बम्पर उतरता है, वो लगानी है, पिछली लाइटें चेंज करनी है। If I'm not wrong, इस पे कुछ काम हुआ है रिसेंटली, राइट? यार इसके टायर शायद डाले थे, इसकी सारी ट्यूनिंग शूनिंग हुई थी। अच्छा सर ये गाड़ी की एक और चीज है, मर्सिडीज ने ना इसका सस्पेंशन जो एयरमेटिक बाद में आया ना, इसमें ABC सस्पेंशन था जिसमें ऑयल होता था, और ये इसी के बाद इन्होंने अनरिलायबल था, उसको अबैंडन कर दिया था, उसके बड़े मसले थे, बाद में एयरमैटिक जो एयर बेस्ड आ गए थे, इसमें ऑयल वाले शॉक्स थे जो कि हाइट कंट्रोल करते थे, तो इस गाड़ी की खासियत थी। ब्यूटीफुल, ये लेटेस्ट है जी, मेरे भांजे की गाड़ी है, वो खुद अमेरिका में होता है, उसने मुझे कहा कि जी मामू जी वैगन लेनी है। सो हमारा एक दोस्त है जायद भाई, उनको हम जायद मामू कहते हैं, तो जायद मामू से लेके मैंने अपने भांजे के लिए गाड़ी ली है, अभी इसको हमने तैयार करना है। दिस इज 1985 मॉडल जी वैगन, 290 GD इसके अंदर है, 5-सिलेंडर डीजल इंजन है, इसकी आप स्टार्टिंग सुनेंगे ऐसे जैसे जनरेटर नहीं स्टार्ट होता, बिल्कुल स्मूथ really? और ये थी ओरिजिनल ग्रीन कलर में, वो आपको ग्रीन कलर उसके इंजन थ्री डोर तो मिलिट्री यूज के लिए होती थी ना? और इसके जो हिंजन है ये ग्रीन, ये इसका ओरिजिनल कलर है, और इसकी जो आवाज है ना उसके पैसे सारे। ये किसके इस्तेमाल में थी? मेरे दोस्त हैं जायद भाई, उनके पास ही शुरू से। ये आर्मी कार नहीं है? नहीं नहीं, ये शाहनवाज इम्पोर्ट हुई है, ये देखे आवाज सुने, 290 GD, ये देखे, ये मतलब आप नहीं भी लेंगे ना इसके पैसे। आपने कहा मेरा दुबई वाला वीडियो देखा, तो मैंने ब्राबस जी वैगन का दरवाजा बंद किया था, यही आवाज सर सर। इसको भी लेके इसमें व्हील्स नए डाले हैं, अभी इसके जो रिम है वो पुराने जमाने के स्टाइल के, इसको रेट्रो स्टाइल में ही रखा है, बिकॉज नए वाले जो व्हील्स हैं AMG वो लगाते थे ना तो वो इतनी बाहर आ जाते थे, गाड़ी अंदर थी, वो ऐसे नहीं होता कि किसी ने लेग्स लगाई है जिम में, वो लगता था। सो ये है, और ये आपको पता है कि हमारा हमेशा का लव है, ये गाड़ी जो है ना ये वाकई लव है। Really? इसके ऊपर आपको मेरा नाम नजर आएगा, मेरा ख्याल है वाहिद गाड़ी जिसके ऊपर मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, और वो भी रीजन ये है कि ये एक लव है। और ये कब से आपके पास है? ये दिस हैज बीन अराउंड विद मी फॉर एट लीस्ट इफ नॉट मोर देन 7 years। अच्छा, और ये 2007 मॉडल है, मेरे से पहले ये गाड़ी पेप्सी के पास थी, पेप्सी ने वो एक कैंपेन की थी, उसके ऊपर डब्बा लगा लगू right. और फिर ये खड़ी थी, वहाँ से ऑक्शन में मैंने ली और उसके बाद से मेरे पास है। इसकी एक बड़ी मजे की स्टोरी है, जब इसका नंबर जाता है ना तो लोग बड़े खुश होकर कहते हैं सुनील साहब टैक्स चोर हैं। सो आप जब इसको सिंध की एक्साइज में डालते हैं तो ये कहता है 2011 के बाद कोई टोकन पे नहीं हुआ। अब लॉ ये कहता है आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, मैंने इस गाड़ी को पंजाब में ट्रांसफर कराया हुआ है,
आप यही नंबर पंजाब की वेबसाइट में मालेंगे ट्रेल डेट आपको नजर आएगा कि इसके टोकन पेड है। बट हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी ना कोई चीज निकालें कि किसी के बारे में बात करें। सो इट इज वन ऑफ दोस इत्तेफाक से वैसे जो आज वैलेंटाइन पे मैं खुद रेड हुआ हूँ, गाड़ियां सारी जो मेरे इर्द गिर्द खड़ी है देर ऑल ब्लैक ब्लैक। सो इधर अगर आप देखें फलस्तीन का फ्लैग मैंने अपनी सारी गाड़ी में लगाया है, सिंपल यस। और ये Z3 जो है जी ये भी मैंने एक्वायर की थी व्हेन आई वाज इन कराची। अच्छा। आई गॉट अ कॉल कि ये गाड़ी सेल इट फॉर मी पार्क व्हील्स पे लगी। मैंने गाड़ी देखी, मैंने कह रही तो बहुत ही प्यारी गाड़ी है। मैंने उस मुझे अच्छी तरह याद है कराची में मेन शारा फैसल पे मैं जा रहा था। मैंने फ़ोन पे इसकी डील क्लोज की और दिस इज द क्लीनेस्ट Z3 इन पाकिस्तान बाय फार। इट्स एन ओपन चैलेंज। इस गाड़ी के भी आप चेसिस नंबर डालें पार्क व्हील्स ऑक्शन शीट वेरिफिकेशन सर्विस पे, जैपनीज ऑक्शन शीट आपको मिलेगी। ये 62,000-3,000 किलोमीटर पे ऑक्शन हुई थी, आज 73,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर चली है पाकिस्तान में टोटल। और इसको भी मैंने सारा रीडू किया। अगर आप देखें सर इसका आपने लास्ट आपने देखा तो इसका ऑरेंज और ब्लैक कॉम्बिनेशन था। करेक्ट। मैंने इस पे ग्रे अल्केंटारा और स्टेयरिंग व्हील विद एसिड ग्रीन एक्सेंट इधर। ये भी देखें ये SSM लिखा हुआ है। ये सब यहाँ करा है? ये सब यहाँ पाकिस्तान में हुआ। इसकी छत जो है कोई काट गया था पीछे से, वो भी नहीं बनी है। All done in Pakistan. Automatic. ये सब. It's an automatic. It's a 2.2. How is that? मैंने manual चलाई सर. सर ये auto भी है, triptronic है, manual भी है, auto भी है, बहुत मजे की चलती है. Really. Again, it has my badging on it. It's SSM. Probably the first generation triptronic, नहीं? हाँ, I think so. और इसका भी किसी ने antenna यहाँ पे होता है, वो निकाल लिया है. हमारे यहाँ पे पता नहीं लोग गाड़ियों के साथ ऐसी ज्यादती क्यों करते हैं. So अच्छा, इसका एग्जॉस्ट ओरिजिनल है? ये ओरिजिनल डबल आता था पहले ओरिजिनल। ये इसकी टिप ओरिजिनल, मैंने किसी गाड़ी के अंदर कोई पंगा नहीं लिया आफ्टर मार्केट। मेरी सारी गाड़ियां आपको स्टॉक मिलेंगी इन अ सेंस के उसके इंजन में कोई नहीं होगा, शेप में पंगा ले लूं वो देखे, लेकिन इस तरह इसकी 2.2 इंजन जो है ये बहुत कम मॉडल्स में आया था, बहुत कम आया था, बड़ा कामयाब इंजन था ये। Really? हाँ, बड़ा कामयाब इंजन था ये। आगे आगे सर ये वर्क हॉर्स है। ये गाड़ी हमारे साथ अभी इस साल सर फरंगा भी गई है, उससे पहले थल रैली पे, चोलेस्तान पे। जब आपको पता होना कि यार आपने गाड़ी में बैठने और बगैर किसी हैसल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है, यू कैन नेवर गो रॉन्ग विद द लैंड क्रूजर एंड दैट लोगो स्पेशली। सो इट्स अ 2011 AXG, ZX नहीं है, AXG है। और इसको आपने कोई वो बॉडी किट वेट नहीं लगाई हुई जैसे आया था ऑक्शन से, लोग 2008 को 12 बनाते हैं। ये कन्वर्ट हुआ है, बट मजे की बात है इसके गाड़ी के अंदर पूरी गाड़ी में कोई एक पीस भी पेंट नहीं है। यहाँ पे कन्वर्ट जब आप करते हैं ना तो आपका शो पेंट हो जाता है, डिग्गी पेंट हो जाती है। सो जो डोनर कार थी उसके अंदर से निकाला गया ओरिजिनल। इसमें सारे जैपनीज पार्ट हैं, कोई चाइनीज लाइट नहीं है, क्योंकि मैंने हाईवे पे चलानी होती है तो लाइट का मुझे बड़ा इशू था। तो ये हमारा वर्क हॉर्स है, कहीं भी जाना है तो कर लेते हैं। और सर ये जो एस क्लास है इसके बारे में तो हमने पार्किंग से पूरी वो बनाई थी। इट्स अ 2006 मॉडल एस क्लास, 0 मीटर शानवाज इम्पोर्ट। बट जब मैंने ये ली थी तो बिल्कुल ये एक अंकलिश लुक में थी। इसके ग्रे व्हील्स थे, जेनुइन व्हील्स थे, ये कम्बिनेशन दो कलर का नहीं था। लाइटें हेड उन्होंने फेसलिफ्ट ऑलरेडी की हुई थी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा काम था, इसको पूरा रीडिज़ाइन किया, फिर इसके जो सारे एम्बलम्स हैं ये ब्लैक किए, जितना क्रोम था सारा ब्लैक आउट किया, तो इस गाड़ी को पूरी एक नई लुक दी। उसके बाद इस गाड़ी को मैं इस्लामाबाद 2 दफ़ा ले गया हूँ, पेशावर लेकर गया हूँ, फैसलाबाद ले गया हूँ। 100% रिलायबल कार। इसके आगे ये जो गाड़ी है सर ये फ्रांस आपके शहर फैसलाबाद से आई थी ना। मेरे कजन ने मुझे एक दिन तस्वीर भेजी, उसको पता था कि मुझे जो है ना W140 से इश्क है और मैं इसको लेके आया। इस पर भी काफी काम किया है एंड इट हैज बीन विद मी फॉर लाइक 2-3 ईयर्स। इसका कलर बड़ा खूबसूरत है, इंटीरियर कलर बेज शैंपेन गोल्ड। 2,10,000 किलोमीटर चली भी ली थी, अब 2,13,000 हुई, 3 साल में 3,000 किलोमीटर चली। इस पर मैंने अभी तक सिर्फ एक लॉन्ग ट्रिप किया है और वो मैंने किया है लाहौर से भेरा तक, उसके अलावा मैं इसको ज्यादातर शहर से बाहर नहीं लेके गया। रिलायबिलिटी के लिहाज से कैसी है? ये रिलायबल है, मुझे शक था। ये भी पिछले दिनों क्लासिक कार रैली आई तो उसमें मेरे पास तो क्लासिक गाड़ी कोई नहीं थी। द ओनली कार विच कम्स क्लोज टू क्लासिक वाज दिस। कमाल, मतलब आपने एक चीज नोट की है, मर्सिडीज का इंटीरियर लेदर इंटीरियर समहाउ इतनी बुरी तरह डिटेरियोरेट नहीं होता जैसे BMW का होता है। मैं अल्लाह की कसम आपको बता रहा हूँ, मजाक नहीं करा, मेरी गाड़ी को हमेशा मेरी नजर लगती है। आज सुबह मैंने इसकी बत्ती तोड़ी, दिखा दें यार बत्ती कोई चीज कैसे तोड़ी यहाँ से। ये सुबह मैं गाड़ी रिवर्स करता दूसरा वीगो धोने के बाद। Really? वैलेंटाइन की खुशी में ना फजर के टाइम भाई ने उठ के सारी गाड़ियाँ धोई, वो रिवर्स करके इसमें आके लगा और इसकी लाइट टूट गई। मगर मर्सिडीज का फायदा चेक करें, स्पीड कितने आवर्स हुए, 2 या 3 घंटे। हाँ। मिल गई अभी, दफ्तर पड़ी हुई अभी आके लग गई। Really? दफ्तर भी पहुंच गई, दफ्तर पहुंच गई। ये कनेक्शन है सर। सर ये और ये जो है ना ये वैलेंटाइन के लिहाज से जो है ना आज हमने अपना जो फाइनल रोज देने का फैसला किया ना। और ये वाहिद गाड़ी जो लाल में है, हाय ये लाल में थी नहीं, इसको लाल में किया गया, तो ये फाइनल रोज जो है ना ये इसके लिए है। ये देखिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत इस गाड़ी से? यस सर। इन सारी गाड़ियों में? हाँ जी। वजह बताएं यार, मज़दा RX-7 जो है ना वो एक लव है आज से नहीं, मैं जब स्कूल कॉलेज में था ना, सो आप मैं हमेशा कहता हूँ इंसान अपने जो है ना यंग एज के लिहाज से इंसान कभी कुछ चीजों में कुछ बड़ा नहीं होता। हाँ जी। सो 96 में जब ये 95-96 में गाड़ी आई थी, आई गॉट माई फर्स्ट कार बैक देन। और उस जमाने में जो है ना मेरे दिमाग पे ये गाड़ी थी कि मैंने लेनी है एंड ट्राइड मेनी टाइम्स,
सो 2013 में ये गाड़ी मैंने ली थी एंड अगेन इसकी भी ऑक्शन शीट अगर आप वेरीफाई करेंगे तो ये 58,000 किलोमीटर चली भी थी, आज ये 62,400 चली, जो कि जापान से आई थी। ऑटो शो में जाने के लिए चलती है तो चलती है। इसमें आता है बाथर्स एडिशन, ये बाथर्स एडिशन है, इसमें कॉइल आते हैं, हाइट एडजस्टेबल शॉक्स हैं थोड़े बहुत। बाकी मैंने इस गाड़ी में इस स्पॉइलर के अलावा और इस कलर के अलावा कुछ नहीं किया, बाकी हर चीज ऐसी फिटेड आई थी। बॉडी किट माजदा ओरिजिनल किस कलर में थी? लाइटें, ये जापान से जब निकली थी ये गाड़ी तो जापान में ही पेंट चेंज हुआ था, सिल्वर इसका अंदर से सारा वो है इंजन कंपार्टमेंट, लेकिन ऑक्शन शीट के ऊपर वो स्टार ग्रेड लिखा होता तो वो ब्लैक कलर में किया हुआ था। मैंने इसको थोड़ा सा ब्लैक मैट में चलाया, फिर मैंने इसको रेड पेंट किया। बोनेट की क्या कहानी है यार? बोनेट इसका अजीब लग रहा है सर। बोनेट इसका जो है ना फाइबर का, ये जब से आया था ना इसके अंदर बेसिकली जो रोटरी इंजन के लिए हीट जो है ना सबसे बुरी और खुश्की, आपने देखा होगा कराची में रोटरी इंजन ज्यादा सर्वाइव करते हैं ह्यूमिडिटी, हमारे यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं है तो इसके बोनेट के जैसे हीट फैंड इन्होंने रखे हुए थे और ये फाइबर का है। विद टाइम ये जो फाइबर खराब हो जाता है, फिर इसके ऊपर स्टिकर लगाया, फिर दो दफा तीन दफा, मैं पर्सनली मुझे ये टच अच्छा नहीं लगता यार। वो आई थिंक अब लोहे का बोनेट लगा है। लोहे का बोनेट जो है ना इस गाड़ी का वो इतना महंगा है, आप गैस करें कितने का होगा? 50,000 रुपए का। 1.5 लाख से नीचे कोई बोनेट नहीं मिलता और वो भी बुरी हालत में। अब उस पर दिल नहीं मानता बॉस, मैं कहूंगा आप 1.5 लाख रुपए खर्च कर लें, आपके कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं आप उसको कम में भी ले लेंगे किसी ना किसी तरीके से, आप ओरिजिनल बॉनेट लगाएं, बिकॉज दिस इज द लव ऑफ योर लाइफ सर, एंड दिस इज अ कार दैट सर लव ऑफ लाइफ, नहीं लव इन कार्स कह सकते हैं, लव ऑफ लाइफ पे ना करें, ऐसे ना करें, दैट्स व्हाट यू कॉल अ ट्रू कार लवर। सर ये तो मेरा वैलेंटाइन हो गया, आप क्या कर रहे हैं? आप लाहौर आए हुए हैं, वैलेंटाइन आप कैसे मना रहे हैं? सर आपका जो है ना आपकी मोहब्बत वो बटी हुई है थोड़ी सी, मैंने सिर्फ एक गाड़ी से मोहब्बत की है। बहुत से व्यूअर्स सोच रहे होंगे मेरे पीछे, ये तो वही मोहब्बत है जो कोई आपसे छीन के ले गया था। जी हाँ सर, इस गाड़ी के बाद वापस आई है, 8 साल के बाद आई है, रजिया गुंडों में फंसी हुई थी, वकीलों में फंसी हुई थी। अच्छा सर, इन ऑल ऑनेस्टी मैंने जब इस गाड़ी को इस बार हाईवे पे चलाया ना, कई सालों के बाद, मैं बाय रोड आया कराची से, मैं अकेला बाय रोड आया इस पे पेट्रोल का बढ़ा किया होगा, कोई नहीं, कोई 20,000 रुपए का पेट्रोल डला होगा, 24,000 का। तो आप अकेले कैसे आ गए यार इतनी लंबे सफर पे? यार नॉर्मली मैं अपनी वाइफ के साथ आता हूँ, बट इस बार वाइफ और बेबी जो था वो लाहौर में ही थे मेरे ससुराल पे, तो मैं अकेला आ गया और मैंने इस बात का ख्याल किया कि मैं ज्यादा स्पीड चले। बाबू कुछ खाना खिलाते हैं तो वीडियो को यहाँ खत्म कर देते ताकि लोगों को पता लगे आपने छापा मारा। कोदा पहाड़ निकला, चूहा भी निकला, लेकिन काफी ज्यादा खूबसूरत हसीना निकला। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम दोनों एक दूसरे के साथ वैलेंटाइन लंच पे जा रहे हैं, आप अपने वैलेंटाइन को एंजॉय करें। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया तो